दिल्लीत प्रचाराची सुपर ओव्हर रंगात आली आहे. भाजपकडून सपना चौधरीला उतरवण्यात आलंय. पाहूयात कशी रंगली सपना चौधरींच्या प्रचाराची मैफिल. सध्या दिल्लीतल्या प्रचारासाठी सगळेच पक्ष जोशात मैदानात उतरलेत. नरेला मधल्या प्रचारात भाजपचे मनोज तिवारी डान्सर सपना चौधरी सह पोहोचले. मग काय, सपना चौधरी नाही तिची फेमस गाणी म्हटली आणि भाजप जिंकली तर मतदारांसाठी मनोरंजनाचा मोठा कार्यक्रम करू असं आश्वासनही देऊन टाकलं. गाण्याबरोबरच सपनानं भाषणातून केजरीवालांवर जोरदार बाणही सोडले. एकटे केजरीवाल काही करू शकणार नाहीत, भाजप संघटना बरोबर घेऊन चालते. भाजप जिंकली तर तो जनतेचा विजय असेल असं सपना म्हणाली. हमारे मनोज जी जीतेंगे, सर जीतेंगे, सर जीतेंगे तो सरकार आएगी नरेंद्र मोदी जी की. नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे, अगर नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे तो कौन जीतेगा पता है आपको? आप लोग जीतेंगे. हमारा संकल्प पत्र पढ़ लीजिए. नरेंद्र मोदी जी के बात करके हमने जो संकल्प बनाया है वो दिल्ली को 5 साल में खुशहाल दिल्ली बना देगा, ये हमारा वादा है. देशाचे पंतप्रधान मोदी असल्याचा प्रचंड अभिमान आहे हे सांगायलाही सपना विसरली नाही. जितनी टूटी सड़के आज मैंने दिल्ली में देखी है मैंने कहीं नहीं देखी. मैं हरियाणा में इतने शोज करती हूँ, मैंने कच्ची सड़के भी देखी है, लेकिन कच्ची से भी आज मैंने दिल्ली में पक्की सड़कों को खराब होता हुआ देखा है, तो बड़ा खराब था. एज ए लीडर मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ जहाँ हमारा पीएम नरेंद्र मोदी है, क्योंकि वो एज ए लीडर डिजर्व करते हैं. एक हिंदुस्तान को पलटने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है और आगे भी रहेगा. त्यामुळे आता या स्टार यार कलाकारांचा भाजपला कितपत फायदा होणार हे 11 तारखेला कळेलच. ब्युरो रिपोर्ट, झी 24 तास, मुंबई.